नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं गीता सक्सेना एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु की महादशा में मंगल की अंतर दशा के बारे में। जी हाँ, क्या होती है, कितना इसका कार्यकाल होता है और क्या क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट जो है हमारी लाइफ के ऊपर, व्यक्ति के जीवन पर देखने को मिलते हैं और कैसे इसके उपाय करके कुछ हद तक हम रिलीफ महसूस कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं सबसे पहले राहु की महादशा में मंगल की अंतर दशा के बारे में। जी हाँ, राहु की महादशा में मंगल की अंतर दशा बेहद कष्टकारी होती है। एक साल 18 महीने की होती है और बेहद कष्टकारी होती है, दुखदायी होती है, यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा क्योंकि सच में यह कष्टकारी होती है। तो इसके लिए आपको अलर्ट होने की जरूरत है। देखिए, मैं डरा धमका नहीं रही हूँ, लेकिन बस अलर्ट करने का मेरा एक नजरिया है ताकि आपको कोई भी कष्ट ना हो, किसी भी तरह की मुश्किल परेशानी में आप ना पड़े, आपका जीवन जो है खुशियों भरा हो। तो आगे बढ़ते हैं। जब भी कभी राहु की महादशा में मंगल की अंतर दशा होती है तो स्थिति इतनी कष्टकारी हो सकती है कि आपको नेत्र संबंधी कोई भी रोग आपको ग्रस्त कर सकता है, रोग हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, आई से रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। पद और स्थान अंतरण के चांसेस भी बने रहते हैं। आपका जीवन जो है काफी अस्त व्यस्त भी हो सकता है इसके दौरान, इस महादशा के दौरान, इस अंतर दशा के दौरान। इसके अलावा आपको अस्त्र शस्त्र से चोट का खतरा भी रहता है और बड़े दुख का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि किसी भी आपके भाई या बहन की मृत्यु हो जाना। तो ये बेहद कष्टकारी स्थिति होती है, मान लेना चाहिए, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। और इसके अलावा यह बताना भी बेहद अति आवश्यक होगा कि किसी भी जातक के बर्थ चार्ट में राहु की दशा चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो या फिर कितनी भी वीक क्यों ना हो, लेकिन जब राहु की महादशा में सूर्य, चंद्र और मंगल की अंतर दशा हो जाती है तो समय बेहद कष्टकारी होता है, रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, यह कहना बिल्कुल लाजमी होगा, बिल्कुल जरूरी होगा और अति आवश्यक होगा और बेहद सच बात है ये। इसको समझ जाएं, इसको आप नॉर्मली बिल्कुल भी मत लें, लाइटली बिल्कुल भी मत लें, ये समय अलर्ट होने का है। आपको इस वक्त चाहिए कि हर कदम को फूंक फूंक कर रखने की जरूरत है। और यहाँ तक के आपको मैं अलर्ट करना चाहूंगी कि अगर आपको कुछ ऐसी परेशानियों, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं तो कहूंगी आप टाइम टू टाइम अपने बर्थ चार्ट को किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखाएं ताकि आपको मुश्किल समय से ना गुजरना पड़े, ना फेस करना पड़े। तो चलिए जान लेते हैं इसके अलावा आप कौन सी रेमेडीज आप घर पर साथ साथ कर सकते हैं अपने राहु की महादशा को थोड़ा बहुत शांत करने के लिए, राहु ग्रह की शांति के लिए। इसके लिए आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना है। हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिदिन पाठ करने से बेहद लाभ मिलता है, ये जो ग्रह है शांत होता है, काफी हद तक इसकी महादशा में आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा आप हर शनिवार को काले उड़द की दाल को दान जरूर करें, हर शनिवार नित्य, हर शनिवार अगर आप करोगे तो आपको काफी बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ खिलाएं जरूर, मंगलवार के दिन, याद रहे मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ जरूर खिलाएं, आपका राहु काफी हद तक शांत होगा। तो ऐसे ही छोटे छोटे उपाय करते रहें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ताकि आप हमारा नेक्स्ट वीडियो भी देख सकें, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तभी आप हमारी नेक्स्ट वीडियो को देख पाएंगे। और किसी भी तरह की क्वेरी हो, आपके मन में क्वेश्चन हो, आपके बस चार्ट से रिलेटेड, आपके मैरिज लाइफ से रिलेटेड, आपके बच्चों से रिलेटेड, आपके परिवार से रिलेटेड, आपके किसी भी फैमिली मेम्बर से रिलेटेड, या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो आपको जिंदगी में फेस करनी पड़ रही है, चाहे वो बड़ी से बड़ी है या छोटी से छोटी, उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। बस आपको डायल करना होगा 9873963 9815162742। और हमेशा याद रखें द वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर मिस्टर अमित कपूर को। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और अब मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज, सत श्री अकाल, नमस्कार।